अरे कुंती खोले नी बारे काटी दे बिन जारा अरे कुंती खोला तो धोखो खूब जे मिल अगर लारे आया रे थारे बार जी हे फिर जरा कहो कि कुंती खोलू तो धोखो उपजे लारे आया थारे बार रानी मिलागर हसन लागी की मूर्ख बिरजारा अगर मारे बार कन्या लारे रहता लारे होता तो आज थारी इन केदरे मायने आ रानी बारह वर्ष नहीं घुटती वार करनिया लारे रह गया बिरजारा गया वो तो गंगा जीरी घाट जी समय को भरोसो कोनी ये समय ना तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान और काबे लूटी गोपियां वही अर्जुन बैवान कदी कदी गाड रासु सिंह हार जावे कदी कदी गाड रासु सिंह हार जावे समय को भरोसो कोनी पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे लोगों का भाग्य किन किन लोगों का समय पलट गया ऐसे जो बड़े बड़े लोगों को समय ने नहीं बख्शा तो हमारी क्या औकात है। एक इंसान सिगरेट पीता है उसके मन में इतना घमंड होता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं। तू सिगरेट नहीं पी रहा तू अपनी उम्र को निगल रहा। कुछ लोग गांजे का स्मरण करते हैं कुछ लोग पता नहीं कैसे कैसे नशे करते हैं उनके मन में ये घमंड रहता है। गुटखा खाता है तो इतने शान से खाता है कि जैसे पता नहीं क्या खा रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो अपनी मौत को अपने अपने हलक के अंदर उतार रहा। गुरु वशिष्ठ महागुण ज्ञानी लिख लिख बात बतावे अरे रामचंद्र जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे गुरु वशिष्ठ महागुण ज्ञानी लिख लिख बात बतावे रामचंद्र जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे राजा दशरथ प्राण त्याग चढ़े।
राजा दशरथ प्राण त्याग जद हाथ लगा नहीं पावे है। समय को भरोसो कोनी कति पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कति पलटी मार जावे। अरे राजा की बेटी पद्मा कहिए मोर लार परनाई, राजा की बेटी पद्मा कहिजे मोर लार परनावे। मोर जाए जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खावे, मोर जाए जंगल में मर गयो किस्मत पलटी खावे। मेरे भाई शिव जी की ऐसी, मेरे भाई कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। अब वा भिंडसारो मिलिया करने केवन लागो कि भिंड रानी तू काम कर, आज थारत तू मने खामद के बदला, तू मने खामद के बदला तो बिन जाना ने रानी ने रीस आ गई। थारे जीड़ा रे हाली बाले दा बिन जारा, नौखता घोड़लिया वाली लाद जी हे शेर शेर सोनो में मरती मोतीड़ा भरो भार जी हे कर धनवंती धन रोगार वो बिन जारा, मत कर पितरारो अभिमान जी हे हा। काया और माया दोनों पावनी झुगड़ा में जातो नी लागे धनवंती धनरो गारबो बिनजारा, मत कर पितरारो अभिमान और काया और माया दोनों पावनी झगड़ा में जातो नी लागे इनमें वार। ये धन दौलत ये सब यहीं पड़ी रह जाएगी, बस भगवान का नाम का सिमरन कर, जिसका तू घमंड कर रहा है वो तेरे पास रहने वाला नहीं है। अब रानी मिलागा राजा चंदन और नीरो शायरी तपस्या जो परीक्षा वो पूरी हो गई, और किन प्रकार भगवान मिलावे वाले एक बार गौर करना इस बात पे किस प्रकार भगवान को वापस मिलाता है। जिन नदीरे किनारे नीर और सायर ने छोड़ा, उन नदीरे किनारे एक राजे है और उन राजे रा राजा बन गया वो राजा। उन्हीं दिन नीर और सायर ने उठा और आपने नगरी रा राजकुमार बना दिया। थोड़ा समय बीतो और वा नदी राजा चंदन ने बहा और उन्हीं नगरी रे किनारे जान छोड़ दिया। राजा चंदन से जीत हो गया। कुछ समय बाद आप रो नगरी रे मैंने काम कर लगा। जिन नगरी में आपरा पुत्र राजकुमार हा उन नगरी रा राजा री मृत्यु हो गई
अब राजा रो चयन कर लो। पंडिता ने बुलाया और पंडिता कह दियो कि एक हाथी रे सूंड में माला पहना दो और वो भीड़ में भेज दो। और जिनी पुरुष रे गले में वो माला पहना दी वाइन नगरी रो राजा बे। हाथी घूमतो घूमतो वो माला लेन घूमन लागो तो राजा चंदन लकड़ी रो भारो माथे उखड़े ने देखियो कि भाई इतनी भीड़ किन बात री है। वह भीड़ में जान लकड़ी रो भारो मेल खड़ा हो गया और भगवान री कुदरत इतने पाछो फल मिले। वह हाथी घूमतो घूमतो वो माला दे राजा चंदन ने गले में और राजा चंदन उन नगरी रा राजा बन गया। अब रानी मिलागर नो मिलन नो समय आयो। राजा चंदन रा वो सुपुत्र नीर और शायर नगरी रे मायने भ्रमण करन जावे तो उन बिनजारा रे घर आगे जावे और एक लुगाई री एक औरत री चीखनी आवाज सुन बिनजारा रे घर में जावे कि बिनजारा थारे घर में लुगाई कोई चीख रही है चिल्ला रही है आ कौन है इन्हें बाहर निकाल। गुणती रे मायने कौन है बाहर निकाल। बिनजारो कह दियो कि मारी लुगाई है और मारो कहनो नहीं माने इन वजह से मैं गुणती रे मायने कैद कर रखी। गुणती रे मायने सो आवाज आई कि आप बिनजारो मने बड़ी तकलीफ दीनी 12 वर्षा से मैं कोई लुगाई नहीं हूं। नीर और शायर कह दियो कि अगर तू लुगाई नहीं है तो इन बात रो न्याय राजा चंदन करेला। रानी मिलागर ने ले और राजा चंदन की सभा रे मायने पेश करे। जो ही सभा रे मायने राजा चंदन रानी मिलागर ने देखे और रानी मिलागर राजा चंदन देखे तो वो समय याद आवे जिन वक्त रानी मिलागर और राजा चंदन नदी रे किनारे अलग हो गया। अरे करी ही नेड़ा सुठाली रायो नीर पिहाजी। अब रानी ने बहुत समय याद आवे और आंखा सु आंसू बहन लागे कि राजा आज बहुत समय बाद अपन मिल गया। भगवान अपनी परीक्षा मान ली धरती रे माते अपनो नाम अमर हो गयो। ये उभी में सारी वाले तीर पिहाजी सुनाने की कोशिश की। उन समय रे बाद रानी चंद रानी मिलागर राजा चंदन और नीर और सायर इन धरती रे माथे अमर हो गया। बलि सत्य गुरुदेव की जय हो। बलि भक्त वसल भगवान की।